हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के बने यौगिकों का दर्शाने का तरीका के बारे में सीख रहे थे हम लोग, जिसमें देखे थे कि कार्बन के बने कंपाउंड्स को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसमें से पहला तरीका का नाम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा का नाम है कंडेंस्ड फॉर्मूला और तीसरा तरीका का नाम है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और तीनों का मतलब भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, फिर से रिपीट करते हैं क्या हम लोग जो है सो समझे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसको हम लोग को दर्शाना है तो हम लोग करते क्या थे, सबसे पहले तो देखते थे उसमें कि कितने कार्बन एटम्स हैं और कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। और जब उसको दर्शाना होता था तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को कंप्लीट दिखाते हैं और कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को भी कंप्लीटली दर्शाते हैं, किस पे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जबकि कंडेंस फॉर्मूला की बात करें तो कंडेंस फॉर्मूला में क्या करते थे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाते थे तो क्या करते थे, तो कार्बन और हाइड्रोजन को साथ में लिखते थे, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाना होता है कंडेंस फॉर्मूला। और तीसरा जो तरीका है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जैसा कि नाम ही लिखा हुआ है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कि बॉन्ड के लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर कि जो भी कंपाउंड दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें जितने भी कार्बन है हाइड्रोजन एटम है उसको क्या करना है कि सिर्फ बॉन्ड को एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करना है और बेंड के द्वारा कार्बन एटम को शो करना है। जैसे सपोज कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C4H10, यानी इसमें कितने कार्बन है, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 10। अगर इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले कार्बन का संख्या देखें कितने कार्बन है, 4 कार्बन बॉन्ड लाइन के द्वारा दिखाना। और बॉन्ड लाइन में क्या करते हैं कि इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट करें वहां पर भी एक कार्बन रिप्रेजेंट करेगा और यह लाइन जहां एंड करे, सपोज कि यह लाइन, सपोज क्या यही खत्म होगा लाइन, तो यह लाइन यहां पर खत्म हुआ तो यहां पर भी एक कार्बन रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से चूंकि यहां पर 4 कार्बन है तो यहां पर इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट दो ही कार्बन, फिर यहाँ पर बेंड करेंगे, बेंड करेंगे तो अब यहाँ पर सेकंड कार्बन, फिर यहाँ पर एंड करें तीसरा कार्बन हो गया। चूंकि हम लोग को 4 कार्बन चाहिए तो फिर से यहाँ पर बेंड करेंगे और फिर से इसको जो है सो आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा फिर से यह एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल अब कितना कार्बन हो गया, 4, 1, 2, 3 और 4 कार्बन हो गया। तो इस तरह से जो है सो हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जो है सो कार्बन को बेंड के द्वारा या तो उस लाइन का इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हाइड्रोजन इसमें जो है सो छिपा हुआ रहता है, हाइड रहता है। तो यह तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। हम लोग जो अध्ययन करेंगे इसमें इंटर कन्वर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि जो हम लोगों ने कार्बन के कंपाउंड्स का दर्शाने का तरीका पढ़ा है अगर उसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो और उसको कहा गया हो दिया हुआ स्ट्रक्चरल में है आप कन्वर्ट करें कंडेंस में, आप कन्वर्ट करें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, तो किस तरह से कन्वर्ट करके लिखा जाएगा और यह कितने तरीका हो सकता है इंटर कन्वर्ट करने का, तो देखते हैं। तो इंटर कन्वर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 6 तरीका से किया जा सकता है और उन 6 तरीकों का नाम जो है यहां पर दर्शाया गया है, जैसा कि पहला है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टू कंडेंस फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कंपाउंड दिया है कंडेंस फॉर्मूला में लिखें। दूसरा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ही दिया है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखें। उसी तरह से तीसरा है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंडेंस फॉर्मूला में दिया हो और उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखने के लिए कहा गया। उसी तरह से पांचवा और छठा है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में दिया गया हो और उसको लिखना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला में तो कैसे लिखेंगे। तीन छह जो है हम लोग पढ़ेंगे 6 प्रकार को दर्शाने का तरीका को, जिसमें से आज जो हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टू कंडेंस फॉर्मूला। देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंडेंस फॉर्मूला में कैसे हम लोग जो है सो कन्वर्ट करके लिखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल में लिखा हुआ कंपाउंड और सबका सब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखा हुआ, कैसे पहचानेंगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हम पहले ही बता चुके हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ध्यान क्या देना है कि जो भी कंपाउंड दिया है क्या उसमें कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड को दर्शाया गया है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को दर्शाया गया है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो पांचों एग्जाम्पल में कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाया गया है, इसका मतलब यह
इसको लिखना किसमें? कंडेंस्ड फॉर्मूला में। और कंडेंस्ड फॉर्मूला में किस तरह से लिखते हैं? तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसके बीच का जो बॉन्ड को दिखाते हैं, इस बॉन्ड को बसरते यहाँ पर नहीं दिखाते। कंडेंस्ड फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाते। तो क्या करते हैं? नहीं दिखाते हैं तो हाइड्रोजन को कार्बन के साथ ही लिखते हैं, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को उसी तरह से रहने देते हैं जिस तरह से पहले लिखा जा चुका है। तो लिखते हैं इसको कि अगर इस एग्जांपल को कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे। देखो कितना कार्बन है टोटल, 1, 2, 3 और 1, 4। चलिए हम लोग इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना। तो आते हैं फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन कितना हाइड्रोजन? 1, 2 हाइड्रोजन और 1, 3 हाइड्रोजन। क्या करते हैं कंडेंस? तीनों हाइड्रोजन के बॉन्ड को जो नहीं दिखाते हैं और कार्बन के साथ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन साथ में लिखना बॉन्ड को गायब कर देगा, क्या हो जाएगा? CH3। लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाना है जैसे वैसे ही, क्या हो जाएगा? बॉन्ड कार्बन, क्या हो गया? अब इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन देखने से ही पता चल रहा होगा, इस कार्बन में दो हाइड्रोजन। अब जब दो हाइड्रोजन है क्या करना है? साथ में लिखना है, क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। फिर क्या? फिर है बॉन्ड और फिर है कार्बन। फिर लिखेंगे बॉन्ड का, फिर बॉन्ड, फिर कार्बन। अब इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? जैसे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, साथ में फिर लिखेंगे, फिर हो जाएगा CH2, फिर बॉन्ड, फिर बॉन्ड है, फिर कार्बन है, तो बॉन्ड कार्बन। अब लास्ट टर्म में कितना हाइड्रोजन है? 1, 2 और 1 कितना 3। अब तीनों हाइड्रोजन साथ में लिख देंगे, क्या हो जाएगा? आपका CH3। कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यह है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिखने का तरीका। अगर यही देखें हम लोग दूसरा उदाहरण के तौर पर, इसमें भी जो है सो बहुत सारे कार्बन लिखा हुआ इस कंपाउंड में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखते हैं। फर्स्ट कार्बन, इस कार्बन में फिर से कितना हाइड्रोजन है? देखने से दिख रहा होगा इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन है और तीनों हाइड्रोजन किसी कार्बन से अटैच है, ना कि दूसरे कार्बन से। तो कंडेंस्ड में क्या करेंगे? तीनों हाइड्रोजन को साथ में लिख देंगे, क्या हो जाएगा? आपका CH3। फिर क्या है? फिर है आपका बॉन्ड कार्बन। और पहले ही मैंने बताया है कि कार्बन और कार्बन के बीच को बॉन्ड को दिखाना है, जैसे लिखा हो वैसे लिखना है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन को कार्बन के साथ कर देना, क्या हो जाएगा? फिर से बॉन्ड कार्बन, लेकिन बॉन्ड कार्बन। अब सेकेंड कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? 1 और 1, 2 हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा? CH2। अब CH2 के बाद फिर से कार्बन बॉन्ड, फिर यहाँ पर कार्बन। इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन। अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर नीचे भी तो बॉन्ड है, नीचे बॉन्ड तो है लेकिन ये अटैच किस से? कार्बन से। अब कोई बोलेगा सर इसी कार्बन से ना यह हाइड्रोजन अटैच? नहीं, इस कार्बन से यह कार्बन अटैच है और इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन अटैच है। तो इसको ध्यान में रखोगे कि तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन का है ना कि इस कार्बन का, इस कार्बन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड CH। अब जिस तरह से नीचे कार्बन लिखा हुआ है यहाँ पर भी दिखा देंगे बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन है, साथ में कर देंगे, हो जाएगा आपका CH3। फिर अगला कार्बन मानते हैं, इस कार्बन से अटैच है, दिखा देंगे यहाँ पर बॉन्ड कार्बन और तीन हाइड्रोजन अटैच है, तीनों को साथ में कर देंगे, आपका हो जाएगा CH3। यह हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल, इसमें थोड़ा सा अंतर, अंतर क्या है इसमें? एक न्यू ग्रुप है, इसके बारे में बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन इसको अगर हम लोग दिखाना रहेगा किस तरह दिखाते हैं देखते हैं। पहला कार्बन आते हैं, कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, साथ में लिखते हैं, क्या हो जाएगा? CH3। फिर क्या है? फिर है आपका बॉन्ड, फिर है आपका क्या? कार्बन। और इस कार्बन में जो है सो 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो साथ में कर देंगे तो हो जाएगा बॉन्ड CH2। इस तरह से फिर अगला कार्बन आते हैं, बॉन्ड कार्बन, कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है? 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, क्या हो जाएगा? बॉन्ड CH2। फिर आगे क्या कार्बन एटम है? बॉन्ड कार्बन, लिखते हैं इसको बॉन्ड कार्बन। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि हमने क्या कहा कंडेंस्ड फॉर्मूला में किसको साथ में लिखा जाता है? तो कंडेंस्ड फॉर्मूला में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको साथ में लिखा जाता है, लेकिन क्या इस कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम जुड़ा है? नहीं, क्योंकि इस कार्बन के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यह ध्यान में रखो कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो साथ में, अगर उसके साथ कोई दूसरा एटम है
तो उसको उसी रूप में रहने देंगे जिस रूप में पहले से लिखा हुआ है, तो इस ग्रुप को इसी रूप में रहने देंगे जिस रूप से पहले लिखा हुआ है, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। यह हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ ओ एच। इस ग्रुप को इसी तरह से बना देंगे हम जिस तरह से लिखा हुआ पहले से। उसके बाद आपका फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल में भी दो ठो नया नया ग्रुप कुछ इस तरह से यहाँ पर जो घेरा हुआ है न्यू ग्रुप, इसको कैसे लिखेंगे? तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, पहला कार्बन तीन हाइड्रोजन लिखेंगे, क्या हो जाएगा CH3, फिर क्या है बॉन्ड लिखेंगे बॉन्ड, फिर क्या है कार्बन लिखेंगे कार्बन। क्या इसमें हाइड्रोजन के अलावा दूसरा आइटम? हाँ, हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा है इस कारण सिर्फ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इसको उसी रूप में रहने देंगे जिस रूप में है, क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, इसको घेर दे रहे हैं या इसी रूप में रहेगा जिस रूप में पहले से था। फिर आगे बॉन्ड कार्बन, तो लिखेंगे बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। फिर क्या है बॉन्ड कार्बन, फिर लिखेंगे बॉन्ड कार्बन, लेकिन क्या इस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अटैच है? तो मन में सवाल आ रहा है, हां सर एक हाइड्रोजन अटैच है, तो एक हाइड्रोजन ही अटैच है, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन है नहीं, तो ऑक्सीजन तो सिर्फ ऊपर रहेगा, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन क्या हाइड्रोजन को साथ में लिख सकते हैं, यह सवाल उठेगा, तो लिख सकते हैं नहीं भैया, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरह से ग्रुप रहेगा और यही ग्रुप रहेगा, तो चूंकि यह ग्रुप को जो है सो हमेशा इसी ग्रुप में ही लिखा जाता है, या तो इसको कंडेंस्ड में CH2 लिखा जाता है ना कि इस तरह से, तो यह ध्यान रखोगे कि जब भी यह ग्रुप रहेगा तो कंडेंस्ड में CH2 लिखेंगे, या तो डायरेक्टली इसी रूप में ही रहने देंगे, लेकिन इस तरह से हाइड्रोजन को इकट्ठा करके नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक ही ग्रुप है और जब भी लिखा जाता है इसी रूप में ही लिखा जाता है या तो इस रूप में लिखा जाता है, या ध्यान में रखोगे सिर्फ इसके लिए। तो क्या कर सकते हैं, या तो इसी रूप में रहने दो जिस रूप में पहले से है, या तो अभी जो बताएं कि CH2 लिख सकते हो, तो दोनों में से आपका चॉइस है किस तरह से लिखना पसंद करोगे। उसके बाद है अगला एग्जांपल, इसमें भी देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट कार्बन है और इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा इसका कंडेंस में CH3 हो जाएगा, लिखेंगे CH3। अगला क्या है बॉन्ड कार्बन, लिखेंगे बॉन्ड कार्बन, कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है एक, लिखेंगे क्या CH। फिर क्या है डबल बॉन्ड, दिखा देंगे डबल बॉन्ड, हो जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद क्या है कार्बन है, कार्बन लिखेंगे कितना हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, साथ में कर देंगे CH हो जाएगा। CH के बाद फिर से बॉन्ड कार्बन, लिखेंगे फिर से बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा CH। और इसके नीचे देखोगे तो एक कार्बन, इसके नीचे कार्बन दिखाएंगे, कार्बन हो गया। अब इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन, एक दो तीन, कितना हाइड्रोजन हो जाएगा CH3 हो जाएगा कुछ इस तरह से। और अब इस कार्बन से इसके राइट साइड में और एक कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है, जिसको हम लोग लिखेंगे क्या CH3, तो हो जाएगा CH CH3। तो यह है तरीका कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंडेंस्ड फॉर्मूला में किस तरह से कन्वर्ट करके लिखा जाएगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा का इंटर कन्वर्ट करने का तरीका, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टू बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। यानी अगली क्लास में क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाले और देने कंपाउंड को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करें।